हे गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोनी लिव की वेब से मूवी टोबी देख के ख़त्म करी है। और सच बताऊँ यार, ये मूवी मुझे अच्छी लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन अच्छी ज़रूर लगी है। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि टोबी गायब हो चुका है और इसको ढूंढने की कोशिश चल रही है। अब ये कहाँ गायब हुआ है, किस तरह से गायब हुआ है, इसकी लाइफ किस तरह की रही थी, किसने इसको गायब किया, और ये सारी चीज़ों में क्या कुछ हुआ है, ये सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, ये कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, किस तरह की इनकी जर्नी रही थी, किस तरह का ये बंदा था, ये अपनी लाइफ में क्या कुछ कर रहा था, किस तरह से इसकी लाइफ इस भसड़ में इन्वॉल्व हुई थी, वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस मूवी में ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है और आप जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर जिस तरह से एक पैच आता है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रहता है, जिसके कारण हम इस मूवी में हमारा इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होते जाता है। लेकिन फिर जिस तरह से मूवी अपना वापस से पिक करती है, वो इतना अच्छा तो है कि हम पूरे टाइम एंड तक इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर नहीं होते हैं, जो कि अच्छी बात है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये लगभग पूरी मूवी काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहती है, आप काफ़ी पहले समझ जाते हो कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। इसी कारण से जिस तरह के इंपैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते, लेकिन फिर भी आप बोर कहीं भी नहीं होते, जो कि मुझे पसंद आया है। बात करूं कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को ठीक ठाक ही डेवलप किया गया है। किसी भी कैरेक्टर में उतनी जान नहीं है जिनके कारण हम कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए, और जो कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स थे वो भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगे। बात करूं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो डेफिनेटली इस मूवी में और भी काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर उन सब पर बात करने गया तो स्पॉइलर भी दे बैठूंगा और वो सारी चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं, इसलिए उन चीज़ों पर बात मैं नहीं करना चाह रहा। अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही है। जो एडिटिंग है वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगी, मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होती तो बेटर रहता, क्योंकि इस मूवी की जो लेंथ है वो मेरे ख्याल से थोड़ी और कम की जा सकती थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी। डेफिनेटली एक इन्जॉयबल अफेयर था, लेकिन हाँ अगर ओवरऑल मैं सोचूँ तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। इसी कारण से मैं इस मूवी को रिकमेंड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक ट्राई देना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो इस मूवी को सोनी लिव पर। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।